हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त प्रमोद कुमार एक अच्छा और एक नया रेसिपी के साथ, और आज हम बनाते हैं प्रॉन मलाई करी, जिसे बंगला में चिंगड़ी मलाई करी बोलते हैं। बहुत अच्छा रेसिपी है, आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक, और कैसे बनाते हैं देखिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आइए बनाते हैं प्रॉन मलाई करी। प्रॉन्स मलाई करी बनाने के लिए सबसे पहले प्रॉन का ज़रूरत पड़ेगा, तो कुछ प्रॉन्स लिया है मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हैं। प्रॉन्स को इस तरीके से आपको छुड़ा लेना है, उसका गंदगी पूरा निकाल करके अच्छे से साफ़ कर लेना है इसको। फिर इसको अच्छे से धुलाई करने के बाद इसमें थोड़ा नमक और हल्दी मिला करके रखना है कुछ देर तक। उसके बाद आप इसका पेस्ट बनाना है आपको। मैंने इसमें कुछ गार्लिक और ओनियन, ग्रीन चिल्ली इसमें लिया, मैं इसको पेस्ट करूँगा। देख सकते हैं आप, पेस्ट मैंने कर लिया। इसको इस तरीके से पूरा फाइन पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने बाद आप एक बॉल में कोकोनट मिल्क पाउडर मैंने लिया है, इसको कोकोनट मिल्क बनाएंगे। आप इसे कोकोनट मिल्क फ्रेश भी यूज कर सकते हैं, और ये कोकोनट मिल्क हमने इसको तैयार कर लिया है। कोकोनट मिल्क तैयार करने के बाद हमने जो प्रॉन्स रखा था उसको थोड़ा फ्राई करना है, थोड़ा सा तेज पत्ता और इलायची दे करके। आप इसे घी में भी फ्राई कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल में फ्राई कर सकते हैं, जैसा आपको सुविधा। ये फ्राई कर लिया मैंने, ये बहुत अच्छा फ्राई हो गया है, हाफ डन करना है। फिर एक कढ़ाही लेना है आपको, कढ़ाही पैन जो भी हो उसमें थोड़ा सा, मैंने इसमें सरसों तेल का यूज़ किया हूँ, और इसमें मैंने सरसों तेल थोड़ा डाला, और इसके बाद इसमें तेज पत्ता डालना है और इलायची डालना है। अगर आपको टेस्ट कुछ डिफरेंट चाहिए तो और भी कुछ आप गरम मसाला डाल सकते हैं, मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला। और इसमें जो पेस्ट किया हुआ था मैंने, उसमें इसमें डाला मैंने, और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा चिली पाउडर स्वाद अनुसार, नमक। फिर इसको अच्छे से कुक करना है, इसको पकाना है मसाले को। अब देखिए किस तरह से, फिर इसमें थोड़ा घी डाला मैंने, और घी डाल करके थोड़ा सा पका रहा हूँ इसको, इससे घी का फ्लेवर आएगा, काफ़ी अच्छा बन जाएगा ये। और ये पक चुका है, हमने जो मसाला रेडी किया था पक चुका है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला, मिल्क डाला थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम इसको। और पकाने के बाद हमने घोल करके रखा था कोकोनट मिल्क पाउडर, उसको इसमें डालना है, और इसको धीरे धीरे पकाना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम में ना पकाएं। आप देख सकते हैं ये पक चुका है, और जो मैंने प्रॉन्स को फ्राई करके रखा था, हाफ डन करके रखा था, अब इसमें डाल देना है आपको, और इसे स्लोली स्लोली पकाना है, और ये बहुत अच्छा से बन गया है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग भाई। गाढ़ा आप देख लीजिए कितना गाढ़ा करना है, ज़्यादा लिक्विड नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। और टेस्ट के लिए मैंने थोड़ा सा गरम मसाला और घी का प्रयोग किया इसमें थोड़ा सा। अगर आपको घी पसंद है तो ज़रूर इसमें डालिए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब इसे सर्व करते हैं एक डिश में। मैंने एक डिश लिया, पोर्शन डिश में अब इसमें हम डाल रहे हैं ग्रेवी। ज़्यादा ग्रेवी थिक नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा, आप स्वाद अनुसार कर सकते हैं। मैंने थिक रखा है, जो इसका ओरिजिनल रेसिपी है वही किया है मैंने। हेलो जी, ये प्रॉन मलाई करी रेडी हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा रेडी हो गया। और मैंने टेस्ट किया इसको, इसका टेस्ट अमेजिंग, बहुत अच्छा टेस्ट आया, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। हेलो फ्रेंड्स, हमने बनाया प्रॉन्स मलाई करी, जिसको बंगला में बोलते हैं चिंगड़ी मलाई करी। बहुत अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और कैसा रेसिपी है, आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।